क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू रेस टू द पावर माइनस फाइव सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू टू रेस टू द पावर माइनस वन। टू रेस टू द पावर माइनस फाइव से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा टू रेस टू द पावर माइनस वन। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, इसको कैसे करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, वो नंबर को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है टू रेस टू द पावर माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक्स इंटू टू रेस टू द पावर माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर क्या आना चाहिए, टू रेस टू द पावर माइनस वन आना चाहिए, तो टू रेस टू द पावर माइनस वन आना चाहिए। अब यहाँ एक्स को यहीं छोड़ दिया और इसको इक्वल टू के इस तरफ लेके गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू रेस टू द पावर माइनस फाइव। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाऊंगा, कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है एक्स रेस टू द पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एम माइनस एन, ये फार्मूला लगाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर माइनस वन फिर माइनस डिवाइड का फिर ब्रैकेट में माइनस फाइव करके देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस फाइव, तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर फोर।